दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मेल मर्ज की मदद से किस तरीके से 1000 सैलरी स्लिप बना सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, मेल मर्ज जो है एमएस वर्ड का एक खास फीचर होता है जो कि बहुत कम लोगों को यूज़ करना आता है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि मेल मर्ज क्या होता है और इसे कब यूज़ किया जाता है, तो उनको मैं बता दूँ दोस्तों, मेल मर्ज जो है एमएस वर्ड का ये एक फीचर होता है और इसे तब यूज़ किया जाता है जब आप एक फॉर्मेट में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, सैलरी स्लिप दोस्तों आप काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ के लिए बनाते हैं। आपकी कंपनी में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, मान लीजिए 10, 20, 50, 100 या फिर 1000 एम्प्लॉयज़ तक हो सकते हैं। अब आपको उन सभी के लिए सैलरी स्लिप बनानी पड़ती है, लेकिन वो जो सैलरी स्लिप आप बनाते हैं उन सभी का फॉर्मेट एक ही होता है, ठीक है। उन सभी का फॉर्मेट एक होता है, बस उनके अंदर की जो डिटेल होती है, जैसे कि एम्प्लॉय नेम हो गया, उनका डेजिग्नेशन हो गया, या फिर उनका जो भी अर्निंग या फिर जो भी डिडक्शन है, वो सारी डिटेल्स उसमें चेंजेस होती है, ठीक है। तो अगर आप इन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एक एक करके मैनुअली सैलरी स्लिप बनाने जाएंगे तो आपको काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है मेल मर्ज। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही सीखेंगे कि मेल मर्ज की मदद से किस तरीके से सैलरी स्लिप या फिर कोई और डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारी आज की वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। तो दोस्तों, मेल मर्ज यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला है हमारा डाटा और दूसरा है फॉर्मेट, जिसमें कि डाटा को इंपोर्ट करके लेके आना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक फोल्डर के अंदर में दो फाइल क्रिएट करके रखी है पहले से। सबसे पहले एक्सेल शीट में मैंने मेरा डाटा क्रिएट कर लिया है, ठीक है, और यहाँ एमएस वर्ड फाइल में एक फॉर्मेट बना लिया है जिसमें कि डाटा को इंपोर्ट करके लेके आना है, ठीक है। अब मैं अपना एक्सेल शीट दिखाऊं दोस्तों, तो मेरा डाटा कुछ इस तरीके का है। ये बहुत सिंपल सा डाटा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की आईडी लिखी है, उनका नेम लिखा है, और यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे उनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मेंशन किया गया दोस्तों, ठीक है। और एक और बात दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने डाटा है ये सीधा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से स्टार्ट किया है, कोई बीच में स्पेस वगैरह नहीं दिया है, कोई कंपनी का नाम, कोई हेडिंग वगैरह फालतू की यहाँ पे नहीं डाली दोस्तों, ठीक है। मेरा जो डाटा है पहली कॉलम पहली रो से ही स्टार्ट किया है दोस्तों, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने डाटा के नीचे में कोई भी टोटल नहीं किया है। और एक बात दोस्तों, एक और चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पे पॉइंट्स में कुछ फिगर आ रही होंगी दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन में आप देखेंगे तो कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि कैलकुलेशन में कुछ फिगर्स पॉइंट्स में आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे कुछ आ रही है, ठीक है, यहाँ पे टोटल में भी कुछ फिगर पॉइंट में आ रही है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये जो फिगर्स है इसे राउंड ऑफ करना होगा। तो इन वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, इन वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए हमें सबसे ऊपर वाले सेल पे आना है, पहले वाले डाटा पे आना है, और यहाँ पे F2 दबाना है, ठीक है। F2 दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद में हमें कर्सर रखना है और यहाँ पे टाइप करना है राउंड, ठीक है, राउंड का ये फॉर्मूला आ गया, इस पर हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है, और ये डाटा और ये फॉर्मूला पूरा पिक कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद में ये जो पूरा फंक्शन है ये यहाँ पे रहेगा, फिर लास्ट में हमें क्लिक करना है और यहाँ पे कॉमा लगा के एक ज़ीरो लगाना है और फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कॉपी करके हमें सब में नीचे में इसको पेस्ट कर लेना है, ठीक है, ठीक ऐसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे हमें इज इक्वल टू के बाद में कर्सर रखना है, फिर यहाँ पे राउंड ऑफ का फॉर्मूला लेना है, ठीक है, ये राउंड वाला फॉर्मूला मैंने ले लिया, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो गया, फिर फंक्शन के लास्ट में क्लिक करना है, कॉमा प्रेस करना है, एक ज़ीरो लगाना है और ब्रैकेट क्लोज, तो ये राउंड ऑफ हो गया फिगर, ठीक है। अब इसको कॉपी करके मैं पूरे में इसको पेस्ट कर लूँगा तो सारी फिगर्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो गए दोस्तों, ठीक है, ये मेरा डाटा हो गया तैयार। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाऊँ दोस्तों। ये एमएस वर्ड में एक फॉर्मेट मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मेट है, ऊपर कंपनी का नाम लिखा है, सैलरी स्लिप मैंने लिख दिया है, यहाँ पे किस मंथ की सैलरी स्लिप है, यहाँ पे और एम्प्लॉय का डिटेल डालने के लिए यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आएगा, डेजिग्नेशन आएगा, उनकी जो भी सैलरी वगैरह है वो यहाँ पे आएगी, और उनको यहाँ पे कितनी अर्निंग हो रही है वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, उनको क्या क्या डिडक्शन है वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है, इसमें कोई भी खास नहीं है। तो ये फॉर्मेट बनाने के बाद में दोस्तों अब हम लगाएंगे मेल मर्ज, ठीक है। तो मेल मर्ज के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ऊपर यहाँ मेलिंग टैब एक दिखेगा दोस्तों, हमें इस मेलिंग टैब पर क्लिक करना है, ठीक है।
इस मेलिंग टाइप के अंदर में हमें मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है। हमें इस पे एरो पे क्लिक करना है और यहाँ लेटर पे क्लिक करना है, ठीक है। लेटर पे क्लिक करने के बाद में अब हमें यहाँ पे डाटा को इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट रेसिपिएंट, ठीक है। इस पे हमें एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब हमें यहाँ पे फिर तीन ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला है टाइप ए न्यू लिस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके आपकी जो भी लिस्ट है उसको आप यहाँ पे टाइप करके बना सकते हैं, लेकिन हमने तो लिस्ट पहले से बना रखी है ना एक्सेल में, तो हम यहाँ टाइप नहीं करेंगे, हम यहाँ पे उसे इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए सेकंड वाला ऑप्शन है यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे और हमारी वो जो फाइल है उसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। मैंने जो एक्सेल फाइल है जिसमें मेरा डाटा है उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद में दोस्तों एक पॉपअप आएगा जिसमें कि एक्सेल की जितनी भी शीट्स होंगी वो यहाँ पे दिखाएगा। मेरी एक्सेल में 3 शीट थी, इसलिए यहाँ पे शीट दिखा रहा है कि आपको कौन सी शीट में से डाटा इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ शीट 1 क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर हमें टिक कर देना है। इसका मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट रो है उसमें हमने हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। डाटा इंपोर्ट करने के बाद में दोस्तों ऊपर में एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा इंसर्ट मर्ज फील्ड का, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जहाँ जहाँ पे ये फील्ड लगाने हैं एक्सेल के, ये जो भी फील्ड है, ये जो हेडिंग आप देख रहे हैं, ये जो भी फील्ड हमें यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी लगाने हैं वहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के मैं आगे में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ एरो पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड के एरो पे क्लिक करूँगा और यहाँ एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी का जो फील्ड था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ एम्प्लॉय नेम के आगे मैं क्लिक करूँगा, फिर ऊपर इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करूँगा, एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे अब एम्प्लॉय नेम का जो फील्ड है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। डेजिग्नेशन के लिए भी करेंगे, डेजिग्नेशन के आगे मैं क्लिक करूँगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाऊँगा और डेजिग्नेशन पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से मैं फटाफट से यहाँ पे सारे फील्ड लगा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे फील्ड इंसर्ट कर दिए हैं, सभी जगह पे मेल मर्ज को लगा दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब हमारे सारे फील्ड यहाँ पे लग जाएं, हमें ऊपर प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करते ही देखिए दोस्तों हमारी जो सैलरी स्लिप का फॉर्मेट है उसका जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे बन के तैयार है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक नहीं सारे के सारे हमारे जितने भी यहाँ पे डाटा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ करीबन 10 एम्प्लॉय का डाटा था, हमारी 10 की 10 सैलरी स्लिप यहाँ पे बन के तैयार है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेज नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 2 पे जो एम्प्लॉय था सुमित, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय टू सुमित यानी कि हमारा जो डाटा है वो सही बन रहा है। हमारा जो 10 के 10 एम्प्लॉय का जो डाटा है, जो सैलरी स्लिप है, वो बन के तैयार है दोस्तों, ठीक है। अब आपको इसको फिनिश करना है, तो यहाँ पे आप फिनिश मर्ज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पेजेस सेलेक्ट कर लीजिए, आपको कितने पेज प्रिंट करने हैं। यहाँ पे ऑल पे मान लीजिए आपको सारे प्रिंट करने हैं, तो आप यहाँ ऑल पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ ओके करेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे अपना प्रिंटर सेलेक्ट करके ये सारे प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा मेल मर्ज का टॉपिक, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ में मेरे चैनल पर इस तरीके की और भी नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।